जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। उनसे अच्छा मंदिर मैं बनाऊंगा। वो हमारी मर्जी है ना कहाँ बनाएंगे, हमारे भगवान है, हम जहाँ चाहें वहाँ बनाएंगे। जिन्होंने अयोध्या को विवादित स्थल बनाया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? भगवान राम के नाम पर तो मुझे लगता है पूरा विश्व एक हो सकता है, पूरा भारत एक हो सकता है, हिंदुस्तान एक हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं हमारे जो अलग अलग सियासी दल है वो एक हो सकते हैं। हर दर्शक जो हमें देख रहा है उसके मन में भी होगी कि आज दीपावली के दिन भी क्यों राजनीति हो रही है, और आज इस दीपोत्सव में हर दल भगवान राम के नाम पर एक क्यों नहीं हो पा रहा है। राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। नमस्कार, वक्त शंखनाद का है, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन, और आज है छोटी दिवाली। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज बहुत खास है अयोध्या। अयोध्या इसलिए क्योंकि अब जगमगाती हुई दीपों की वो जो चमक होगी ना, वो सबको अपनी ओर खींचेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ की वो खूबसूरत छटा के साथ हम आपको वहाँ की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार वहाँ से आप तक स्टोरीज पहुँचाते रहेंगे, रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे, लेकिन इस शंखनाद में आज इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपको जोड़ूंगा। शुरुआत में एक बड़ी खबर के साथ कर रहा हूँ। अयोध्या में सीएम योगी का बहुत बड़ा बयान है। सीएम ने कहा है कि पहले प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान पर खर्च होता था, आज की सरकार प्रदेश का पैसा धर्म के लिए खर्च करती है। पहले प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान के लिए खर्च होता था, योगी जी ने कहा, और जिन्हें कब्रिस्तान से प्यार था वो पैसा बर्बाद कर रहे थे, और आज प्रदेश का पैसा धर्म के लिए खर्च हो रहा है, आज मंदिरों के उत्थान पर खर्च हो रहा है पैसा, हमारी सरकार धर्म के लिए पैसा खर्च करती है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे, जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज नई अयोध्या किस रूप में आ रही है, ये हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी है, और इसलिए सप्तपुरी की तर्ज पर अयोध्या का समग्र विकास हो, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है।